उदयपुर की अरावली की गुफाओं में विराजमान तिलकेश्वर महादेव देश के सबसे दुर्गम शिव स्थलों में से एक है। मंदिर में जाना आसान नहीं है। तिलकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने के लिए श्रद्धालु जंजीर और सीढ़ी का सहारा लेते हैं। गुफा के बीच स्थित सफेद पत्थरों पर बहते झरने के पास ही करीब 100 फीट गहरी खाई है, उसी के भीतर गुफा में तिलकेश्वर महादेव विराजमान है। श्रद्धालुओं को यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी दुर्गम मार्ग का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ की मान्यता के कारण लोग प्रभु के दर्शन करने चले जाते हैं। हर हर महादेव। विश्व का कण कण शिवमय हो, अब हर शक्ति का अवतार उठे, जल थल और अंबार से फिर बम बम भोले की जयकार उठे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत करता हूं आपको एक नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं तिलकेश्वर महादेव। तिलकेश्वर महादेव जो उदयपुर से अराउंड 95 to 100 किलोमीटर है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आ गया था। वो बहुत ही एडवेंचर वाली जगह है। यहाँ से कुछ इस तरीके से मुझे निकलना पड़ेगा। पानी बह रहा है, मैं वहाँ से आ रहा था, अभी पैर बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है, मुझे बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजर है, लेकिन जगह काफ़ी अच्छी है। रास्ता है सुरेश? हाँ। किधर है? ठीक, बीच में होके निकलना पड़ेगा। दोस्तों मुझे अब नीचे उतरना है। नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है, पानी बह रहा है, तिलकेश्वर महादेव 100 फीट नीचे है। नज़ारा देख के दोस्तों मुझे तो लग रहा है काफ़ी डर। यहाँ से उतरना है, जाऊँगा तो नीचे दर्शन कराऊँगा, नहीं तो मैं यहाँ से लौट जाऊँगा। तो दोस्तों मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं नीचे जा रहा हूँ आप लोगों के दर्शन कराने। तो सुरेश रेडी है तू जाने के लिए? रेडी हूँ मैं। मंदिर में जाना आसान नहीं है। तिलकेश्वर महादेव मंदिर पहुँचने के लिए श्रद्धालु जंजीर और सीढ़ी का सहारा लेते हैं। दोस्तों मैं उतर तो आया हूँ, गुफा में से निकलकर और सीढ़ियों पे से उतरते हुए जाना है, और जाना मुझे वहाँ तक है नीचे। यहाँ पे झरना बह रहा है एक। रिकॉर्ड में बंद कर रहा हूँ, दोनों हाथ से साकड़ पकड़ के चलना पड़ेगा। अब फिसलन बहुत ज्यादा हो रही है यार। गुफा के बीच स्थित सफेद पत्थरों पर बहते झरने के पास ही करीब 100 फीट गहरी खाई है, उसी के भीतर गुफा में तिलकेश्वर महादेव विराजमान है। श्रद्धालुओं को यहां तक पहुंचने के लिए काफी दुर्गम मार्ग का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहां की मान्यता के कारण लोग प्रभु के दर्शन करने चले जाते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों माफी चाहता हूँ, ऑडियो सही नहीं आया क्योंकि झरना बह रहा था। तो दोस्तों पानी गिरने की झरने में से बहुत तेज आवाज आ रही थी, तो दोस्तों मैं इस आवाज को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने पंडित जी से बात की थी उस बारे में आप लोगों ने बता देता हूँ। तो दोस्तों पुजारी कह रहे हैं यहाँ पर उनको पूजा करते हुए 6 साल हो गया। इससे पहले उनके पिताजी, उन्होंने 50 साल सेवा की। दोस्तों किसी कारणवश इनके पिताजी का स्वर्गवास होने के पिछले 6 साल से अब ये यहीं इनकी पूजा अर्चना करते हैं। तिलकेश्वर महादेव के नाम के पीछे की एक कहानी है जो इन्हें देश के शिव मंदिरों से अलग बनाती है। यहाँ महादेव का पंचामृत से नहीं बल्कि तिल से अभिषेक किया जाता है। मान्यता है अगर आपने मुट्ठी भर तिल शिव के ऊपर चढ़ा दिए तो महादेव भक्त पर अपना हाथ रख देते हैं और जीवन भर कल्याण करते हैं। अगर कोई खास मनोकामना हो या फिर शिव का वरदान जल्दी पाना चाहते हैं तो आपको तिल के साथ साथ एक गुलाब का फूल चढ़ाना होगा। तो दोस्तों पुजारी द्वारा ये मंदिर 500 साल पुराना बताया गया है। 500 साल पहले ना तो कोई इंसान रहता था, ना तो आसपास कोई गांव था। यहाँ पर इन्होंने बताया मुझे पहले ग्वाला हुआ करते थे, अब इन्हें गाय चराने यहाँ पर आया करते थे। गायों के झुंड में से सिर्फ एक गाय एक ऐसी थी रोजाना गायब हो जाती थी। जब ग्वाला गाय का पीछा करते हुए पहुंचा तो वहां पर एक पुजारी बैठे हुए थे, उन्होंने बताया और ये गाय मेरे लिए आती है यहाँ पर दूध देने। उस दिन तो ग्वाला चला गया, दूसरे दिन ग्वाला आया तो वहाँ पुजारी नहीं मिला। दोस्तों वहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्वाला को शिवलिंग मिली और साक्षात भगवान ने उनको दर्शन दिए और उनको बोला कि यहाँ पर तुझे एक मंदिर बनाना है, आजीवन उसकी सेवा करनी है। और भगवान ने उनको एक लकड़ी दी। तो दोस्तों महादेव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तू अमर रहेगा जब तक तेरे पास ये साबित लकड़ी है। और इतना कहकर महादेव जी विलुप्त हो गए। वहाँ पर उस ग्वाला ने महादेव की सेवा करना शुरू किया। नाम पापा
हर हर महादेव। तो दोस्तों दर्शन वगैरह हो गए, अब मैं ऊपर लेके चलता हूँ आप लोगों को, और यहाँ से मेरे को चलना है, सांखड़ पकड़ के चलना है। देखिए महादेव की कृपा से काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए, एक बार ऊपर लेके चलूँ फिर आपसे बात करता हूँ। हर हर महादेव। जो मैं सोच के गया था ना उससे भी कहीं ज़्यादा एडवेंचर है, आप लोगों ने देखा होगा। और फाइनल अब मैं आ गया हूँ पहाड़ी के बीच अभी। मुझे ऐसा लग रहा था ऑक्सीजन की थोड़ी थोड़ी कमी थी, बीपी शुगर या ऐसी कोई बीमारी है, तो यहाँ पे आना मत आप लोग, हालत ख़राब हो जाने। बाहर आ गया था और लोग नहा रहे हैं और कुछ लोग अभी जामुन तोड़ रहे थे ऊपर से। तो दोस्तों मैं भी एक बार नहा ही लेता हूँ, थोड़ा सफोकेशन हो गया था वहाँ पे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा माइंड का मेरा अभी। इधर ज़्यादा गहरा है क्या? दर्शन करके कैसा लगा? बहुत ज्यादा। हर साल आते हैं यहाँ पर बाजू, हर साल आते हैं, सावन में आते हैं हम यहाँ, और बहुत ही जोरदार यहाँ सीन है। आने का रास्ता भी इतना शानदार है जी, सब कुछ बहुत शानदार, क्लाइमेट भी बहुत जोरदार है। अपना जो भी पूजा पाठ होती है वो करते हैं, और यहाँ पे स्नान वनान करके अपना खा पी के सीधा आबू रोड। आगे और ज्यादा गहरा है। तो दोस्तों मैं नहा लिया हूँ और नहा के मैं निकलता हूँ अब घर की तरफ। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन के साथ में, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए मिलते रहेंगे। और मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।